बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप अच्छे पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का लेक्चर नंबर 3 और आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, शेल्स, सब शेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर डिफरेंट एटम। तो चलता काम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम शेल्स एंड सब शेल। तो बच्चे पहले हम बात करते हैं शेल्स, आल्सो नेम्ड एज ऑर्बिट्स। तो साथ हम डिस्कस करेंगे सब शेल्स। सब शेल्स, अच्छा फॉर शेल्स एंड सब शेल डिफरेंस चीज ध्यान में रखना, पहले इसको डिफाइन करते हैं। शेल्स आर द पार्ट अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। तो इसे इट इज द पार्ट, इट इज द पार्ट और एनर्जी लेवल्स, पार्ट और एनर्जी लेवल अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व जहां पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है न्यूक्लियस के अराउंड, उसको हम नाम देते हैं ऑर्बिट का। और सब शेल बच्चे ऐसी स्पेस होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन के होने का चांस मैक्सिमम होता है। तो इसे इट इज द स्पेस वेयर देयर इज मैक्सिमम चांस टू फाइंड इलेक्ट्रॉन। ऐसी स्पेस न्यूक्लियस के अराउंड जहां पर इलेक्ट्रॉन के होने का चांस मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम चांस आल्सो कॉल्ड मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, जहां पर इलेक्ट्रॉन के होने का चांस बहुत ज्यादा होता है, दैट इज कॉल्ड सब शेल। नेक्स्ट पॉइंट जी, इसको बच्चे हम रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स लाइक के एल एम एन सेक्ट्रॉन, फर्स्ट शेल के, सेकंड शेल एल, थर्ड शेल एम, फोर्थ शेल एन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल अल्फाबेट्स लाइक एस पी डी एंड एफ। देखिए वापस एक डिफरेंस है और एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट, दैट इज नेक्स्ट पॉइंट इज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आर डिटरमिन्ड बाय, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आर डिटरमिन्ड बाय फार्मूला 2n² और इसे यहां पर n क्या चीज है, n इक्वल टू शेल नंबर और नंबर ऑफ शेल्स। आपने जिस शेल के इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं मैक्सिमम, तो आप n की वैल्यू डालोगे, फर्स्ट शेल के लिए n1, सेकेंड शेल के लिए n2, थर्ड शेल के लिए n3 एंड सो ऑन। और यहां बच्चन कहते हैं कि सब शेल्स कंटेन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। तो जो हमारे पास जो आपका एस सब शेल, इसके सिंबल है जी एस पी डी एफ, तो एस सब शेल कंटेन्स मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, दैट्स इक्वल टू 2। सिमिलरली पी सब शेल कंटेन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, दैट इज 6। सिमिलरली बच्चे डी सब शेल कंटेन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, दैट इज 10 और एफ सब शेल कंटेन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14। तो जिसको याद करने का आसान सा तरीका, मैक्सिमम फर्स्ट सब शेल के इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो आप इसमें 4 ऐड करें 6, फिर 4 ऐड करें 10 डी के, फिर 4 ऐड करें 14 एफ के। ये बच्चे वहां पर मेन डिफरेंस है बिटवीन शेल्स एंड सब शेल्स। नाउ डिस्कस अबाउट शेल नंबर, दैट इज नंबर ऑफ शेल, दैट इज शोन बाय एन, देन द ऑर्बिट नेम और शेल नेम एंड द सब शेल इज। तो एक बड़ा सिंपल पॉइंट, अगर आपका शेल नंबर 1 है, दैट इज कॉल्ड के शेल, दैट कंटेन सब शेल एस। सिमिलरली इफ वी हैव शेल नंबर 2, देन एन वैल्यू 2,
shell is K L M N, then you got L shell. तो आपके L shell में दो sub shell present होंगे S and P. Both are present in second shell. Then third N value 3, shell number 3, that is K L M, and the sub shells are S P and D. They are present in third shell, that is M. And the last one, if we have N value 4, shell number 4, that is called K L M N, that contains sub shell S P D and F. ये बच्चे में आपस एक number of shells in a given sub shell. ये बच्चे हमारे पास number of sub shells, that is first shell contain one sub shell, second shell contain two sub shells, third shell contain three sub shells and fourth shell contain four sub shells. अगर आप इसको एक डायग्राम में डिस्कस करें तो आपको समझना बच्चे बड़ा आसान होगा. दिस इज योर न्यूक्लियस, दैट इज शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, शेल नंबर 3, शेल नंबर 4. वी हैव n वैल्यूज, 1 n वैल्यू, 2 सेकंड शेल, देन यू गॉट थर्ड शेल, देन वी हैव फोर्थ शेल. देन अगर मैं इसको पूरी डायग्राम में ड्रॉ करूं ना, तो बच्चे फर्स्ट शेल को हम नाम देते हैं K shell, second is called L, third is called M and fourth shell is called N. So K, L, M, N, these are the number of shells. Now the sub shells are, first shell contain S sub shell, second contain S and P, third contain S, P and D, and fourth contain S, P, D and F. ये जो हमारे पास एक कंसेप्ट है शेल और सब शेल्स का. नाउ इफ वी डिस्कस अबाउट देयर नंबर्स, देन दिस इज कॉल्ड 1s, दिस इज कॉल्ड 2s, दिस इज 3s, मीन थर्ड शेल का s ऑर्बिटल, फोर्थ शेल का s ऑर्बिटल, देन p 2p 3p 4p. शेल नंबर 3 कंटेन d as well, राइट 3d 4d, देन यू गॉट फोर्थ शेल में f प्रेजेंट है तो 4f. तो फर्स्ट शेल कंटेन 1s, सेकंड शेल कंटेन 2s 2p सब शेल्स, थर्ड कंटेन 3s 3p 3d सब शेल्स, एंड फोर्थ शेल कंटेन 4 सब शेल्स, 4s 4p 4d एंड 4f. अब जब हम फाइंड करेंगे इनके इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आप शेल्स और सब शेल्स में आप कैसे अरेंज करते हो, अब गाइड का फार्मूला, दैट इज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स, दैट्स फार्मूला इज 2n स्क्वायर. अच्छा बच्चे थोड़ा सा ध्यान देना, अगर आपका शेल नंबर 1 है, दैट इज कॉल्ड शेल नेम, दैट्स इक्वल टू के, एंड द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन के शेल, फर्स्ट शेल इज, दैट इज 2 इनटू 1 स्क्वायर. बच्चे यहां मैंने n की वैल्यू 1 पुट की, that comes out to be 2. So first shell contain maximum 2 electrons, then if we write n equals to 2, then shell name K L and that contain maximum electron 2, n ki value put kare 2, so 2 multiply by 2 square, so 2 square 4, 4 multiply by 2, that's equal to 8. It means L shell contain maximum 8 electrons. Similarly, अगर मैं N को 3 put करूं, तो shell, that is K, L and M, formula 2 into N square, तो बच्चे N की value यहां पर 3 है, third shell के लिए, तो 3 square 9, 9 multiply by 2, 18. It means maximum electron in third shell, M shell, that's equal to 18. And the last one, अगर आप n को 4 put करते हो, तो 2 into 4 square, shell name K L M and that's equal to n. The maximum electrons are 4 square 16 multiplied by 2, that's equal to 32 electrons. It means n shell contain maximum 32 electrons. अगर मैंने यहाँ arrange करें, first shell contain maximum 2 electrons. L contain maximum 8, M contain maximum 18, and N contain maximum electron, that's equal to 32.
ये बच्चे आपके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल के, सेकंड शेल के, थर्ड शेल के जो आपने कैलकुलेट किया है, और फोर्थ शेल के। सिमिलरली अगर हम इनको अरेंज करें सब शेल्स के अंदर, तो लुक एट दैट, अगर हम बात करते हैं सब शेल्स की, अगर हम बात करते हैं सब शेल, अभी आपने कहा था फर्स्ट शेल में ओनली वन सब शेल दैट्स इक्वल टू एस एंड दैट कंटेन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन टू। अगर आपका एल शेल है तो सब शेल्स आर एस एंड पी, आपके सेकंड शेल में एस और पी दोनों प्रेजेंट हैं। तो बच्चे एस का इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम टू, पी के इलेक्ट्रॉन सिक्स, तो सिक्स प्लस टू एट, तो ये आपके कंप्लीट। सिमिलरली आपके थर्ड शेल में तीन सब शेल्स हैं एस पी एंड डी, दे आर इन द थर्ड शेल एम शेल, दीज आर एस पी एंड डी। और चेक करना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इज 18, अगर आप फिल करो एस के 2 पी के 6 मैक्सिमम डी के 10, तो 10 प्लस 6 16 प्लस 2 18 एंड द लास्ट वन एन शेल इट कंटेन एस पी डी एफ एस पी डी एफ एस पी डी एन एफ, तो एस कंटेन मैक्सिमम 2, पी कंटेन मैक्सिमम 6, D contain maximum 10 and F contain maximum 14, आप इन्हें ऐड करें that's equal to 32। तो ये बच्चे आपके distributions हैं electrons की shells और sub shells में, that is very very important।